हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनमोल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या अदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। फ्रेंड्स, हम ये सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, ये पार्ट 3 है। इससे पहले कि आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल पर अपलोड है, आप देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूप बैक्टीरिया से होता है? ए पीलिया, बी तपेदिक, सी चेचक, डी ये सभी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर देखें, बी तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है? ऑप्शन है ए एस, ए सरीरिया कोलाई, बी कोरियोबैक्टीरियम, सी बाइब्रियो कॉलोरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ए एशरीसिया कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए आवृत बीजियों में, बी कवकों में, सी विषाणुओं में, डी जीवाणुओं में। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है डी जीवाणुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है? ए माइक्लोप्लाज्मा, बी इस, सी विषाणु, डी जीवाणु। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ए माइक्रो प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? ए पेचिस, बी हैजा, सी चेचक, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है बी हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी निमीटोड, डी प्रोटोजोआ। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है बी बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? ए पैचिस, बी दमा, सी कुष्ठ, डी ये सभी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी कुष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? ऑप्शन है ए इवानोवस्की, बी एड बर्ज जेनर, सी लीनियस, डी स्मिथ। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ए इवानोवस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के लिए टीके का विकास किया था? ऑप्शन है ए मिलस्टीन ने, बी एडवर्ड जेनर ने, सी लाइपस्चर ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ए बी एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? ए लैक्टोबैसिलस, बी माइक्रोबैक्टीरियम, सी खमीर, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ए लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सोपोषी होता है? ऑप्शन है ए शैवाल, बी विषाणु, सी कवक, डी प्रोटोजोआ। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ए शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टिक्का रोग किसमें होता है? ऑप्शन है ए ज्वार, बी गन्ना, सी चावल, डी मूंगफली। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है डी मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है? ऑप्शन है ए कैंसर, बी क्षय रोग, सी आंतक, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है C,
सी आंशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ए मलेरिया, बी यक्ष्मा, सी चेचक, डी पीलिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? ऑप्शन है ए आर्डोगोनियम, बी यूलोथ्रिक्स, सी एक्टोकपर्स, डी लेमिनेरिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी लेमिनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन है ए विषाणु, डी बी जीवाणु, सी ईस्ट, डी प्रोटोजोआ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते? ऑप्शन है ए विषाणु, बी जीवाणु, सी शैवाल, डी लाइकेन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए हैजा, बी पेचिस, सी मम्स, डी हाइड्रोफोबिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्स क्या है? सर्स क्या है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है ए संचार प्रणाली, बी विषाणु जनित रोग, सी कवक जनित रोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी विषाणु जनित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन है ए जीवाणु, बी माइक्लोप्लाज्मा, सी विषाणु, डी शैवाल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी विषाणु। फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतने ही, अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स हमने जितने भी कोर्स हैं उनमें जितने सब्जेक्ट हैं हमने सारे सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्ट कर दी है। हम डेली इतने ही क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट के डाल रहे हैं, तो आप किसी भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपकी यहाँ फ्री में प्रिपरेशन करवाई जा रही है, एंड फ्रेंड्स जो भी नोटिफिकेशन आएगा यूनिवर्सिटी से आपको वीडियो के थ्रू बताया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फ्रेंड्स आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हों या सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर की प्रिपरेशन कर रहे हों और आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे इस यूनिवर्सिटी की सारी कोर्स डिटेल्स, फीस एंड प्रीवियस ईयर के पेपर, एंट्रेंस एग्ज़ाम और कट ऑफ सारे पीडीएफ अपलोड हैं, आप जाके देखें। या किसी अदर यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अपलोड हैं, आप जाके देखें। फ्रेंड्स हम सारे सब्जेक्ट सारे कोर्स की यहाँ वीडियो अपलोड कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर बने रहें। एंड फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।